बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंधुओं, मैं 3 दिन से करीब आपको एक ही विषय पर कंसंट्रेट किए हुए हूं। ये संसार काल का देश है, उसकी हुकूमत से सब कुछ होता है। अगर आप साहब की वाणी का चिंतन करेंगे तो एक बात सामने आ रही है, ये मनुष्य किसी भी प्रकार से संसार में शुभ कर्म करके, अन्य अन्य कर्म करके परम सत्ता की प्राप्ति नहीं कर सकता है। बहुत बुरी तरह बंधा हुआ है जीव, ये क्यों नहीं जाने दे रहा है? अगर कोई वहां पहुंचा परम धाम तक, निरंजन को उससे बहुत बड़ा खतरा है। फिर निरंजन का उसमें बल नहीं चलता है और उसके पास पारस्वती आती है जिससे वो कई जीवों को चेतन कर सकता है। इसलिए कोशिश है आदमी को अंदर में घुसने नहीं देना है। सुखमन बंधे बसे निरंजन मोंदा दसवां द्वारा, इसलिए उसने संसार में भक्ति के नाम का तामझाम पूरा बनाया। साहब इस पर कंसंट्रेट होकर कहे कि ये सब निरंजनी खेल है, दुनिया विचार नहीं करती है। बड़ा साफ तथ्य सामने है, कोटिन योग अपराधी प्राणी बिन सदगुरु जीव की हानि। आज भक्ति क्षेत्र में कितनी अटपटी चीजें और सिद्धांत आ गए हैं। कुछ ठेलुआ तो ये कह रहे हैं, ठेलुआ गुरु तुम्हें कुछ नहीं करना, वो खुद आएगा, कोई परहेज नहीं है, तुम खाओ पियो, मांस खाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं है। आप विचार कर सकते हैं कि ऐसे लोग विकृत मस्तिष्क के नहीं है, न तो उनके लिए किसी धर्मशास्त्र का महात्म है। आखिर वो क्या है, खुद कौन है? इस तरह दुनिया में कमी नहीं है ऐसे लोगों की, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। इस तरह नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, पर भाई रामायण एक बात कह रही है ना, जप तप व्रत यम नियम अपारा। श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। अब निरंजन एक बात बोल रहे हैं, जब साहब धरती पर आए हैं निरंजन ने कहा आप संसार में मत जाओ, कोई नहीं समझेगा। ये गोष्ठी बड़ी महत्वपूर्ण है, गोरखनाथ जी से गोष्ठी हुई, कई से गोष्ठी हुई, कांगभूषण से साहब की गोष्ठियां हुई है, सबका उल्लेख है। साहब क्या बोल रहे हैं? बोले ज्ञानी शब्द अपारा, मौका दीन पुरुष टकसारा। टकसार खजाने को बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे पास बहुत ताकत है, तेरा कोई भी बल उस पर नहीं चलेगा जिसको मैं वो चीज दे दूंगा। जो मैं पठे हो पुरुष को करण हंस के काज, काले मार सिंगार हूं दीन सकल मोह साज। बोला तेरा मेरे पास जो चीज है उससे तुम्हारा कोई बल नहीं चलेगा, और तुम्हें तो मैं आप भी कर सकता हूं, लेकिन परम पुरुष की आज्ञा नहीं है। देखिए विचार करना थोड़ा, निरंजन अब क्या बोल रहा है वो भी आप सुनना। दुनिया उधर ही तो उलझी हुई है ना, पर साज कहो तो मारन दाई झूठ कहा नहीं जाए। जग माए की नम बासा, पशु पक्षी जल थल में आशा। बोला मैं संसार में मेरा वास है जल थल में, पशु पक्षी। आप देखो ये काम क्रोध लोभ मोह सब में दिख रहा है, काम क्रोध लोभ मोह सभी प्राणियों में दिख रहा है। 360 पेट हम लाई तामे सकल जीव उर्जाई। 360 पेट है, सबको उसमें मैंने उलझाया है।
जे दिन ते हमने पेड़ लगाई दिन दिन उर्जे सूरत लग जाई। बोला आदमी बस वहीं घूमता रहेगा। विडंबना बहुत बड़ी समस्या। आखिर धर्मशास्त्र एक थोड़ा इशारा तो कर रहे हैं कि अपने अंदर परमात्मा है। उसके बाद भी ऐसा क्यों है? वो शैतानी ताकत अलो नहीं कर रही है। मैंने कहा था ब्रेन एक स्क्रीन है, डिस्प्ले है, उस पर जो भी संदेश मन के आते हैं मनुष्य वही करता है। मन हंसे, मन रोए, मन जागे, मन सोवे, मन लेवे, मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई श्रावो, जगत बना है मन से। आप इस पर चिंतन करना थोड़ा। इसलिए होता क्या है, आपने देखा होगा थोड़ा समय पहले बंबई में बिजली गुल हुई और पूरा इंटरनेट सिस्टम हैक हो गया था। एक्सपर्ट लोगों का ये मानना था कि ये एक हमला था, साइबर अटैक था। आज हम तरंगों के युग में, इसलिए मन की तरंगें मस्तिष्क तक आती है। मन तरंग में जगत भुलाना, इन्हीं मन की तरंगों में संसार भूला हुआ है, जगत भूला हुआ है। जैसे वाणी आती है वैसे मनुष्य, जैसे तरंग आती है वैसे मनुष्य करता रहता। आपका मोबाइल एक डब्बा है, एक खोखा है सिर्फ, इसमें कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ तरंगों को रिसीव करता है और यह सिर्फ तरंगों को रिसीव करके डिकोड करता है। ठीक वैसे ही साइफर मैसेज में यूं होता था, बड़े सीक्रेट मैसेज दिए जाते, उसको बाद में एक्सपर्ट लोग डिकोड करते हैं। मस्तिष्क की ऐसी बनावट है कि वो डिकोड करता है। अब उसमें यूं है, किसी किसी के मस्तिष्क की संरचना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो ठीक डिकोड नहीं कर पा रहा। बस यूं है, खेल आत्मा का नहीं है, ये खेल मन का है। इसलिए इंसान बेवकूफ और अकलमंद हुआ, क्योंकि मस्तिष्क की संरचना क्रिटिकल हो गई थोड़ी। इस कारण से मन की तरंगों को वो ठीक से डिकोड नहीं कर पा रहा है। जब मस्तिष्क ठीक से डिकोड नहीं कर पा रहा है तो फिर इंद्रियों को और बॉडी को संदेश मस्तिष्क के द्वारा जाएगा, वो ठीक से नहीं दे पा रहा है, वो बेवकूफ कहलाता है दुनिया में। किसी के मस्तिष्क की संरचना मजबूत है, इसलिए वो, आप देखना ना, किसी किसी एरिया में नेट वीक है तो कुछ वाईफाई लगाते हैं तो नेट फास्ट हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर की संरचना भौतिक आहार खान पान और जेनेटिज्म से संबंध रखती है, तो वो लोग फिर इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन वो इंटेलिजेंट होकर के परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, वो इंटेलिजेंसी केवल इस शरीर और संसार के पदार्थों की होती है। प्रमाण, एक बहुत सुंदर प्रमाण सामने है, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े विद्वान भी मन के अधीन है। छोड़िए आज के युग की बात, तो इसमें तो कोई आदमी आत्मनिष्ठ होने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्राचीन काल में भी आप देखें, ले देकर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इंसान किसी भी तरह से किसी भी हालत में छूट नहीं सकता निरंजन से। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटन करे उपाय, अगर वो करोड़ों उपाय भी करेगा नहीं बच सकता है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीर। अभी यहां सुमरण और वो जो ताकत आपको क्या काम करेगी, सीधी बात है, गुरु आप में एक बूस्टर लगाता है। बूस्टर लगाने से आदमी की हाई फ्रिक्वेंसी हो जाती है,
अब वो रिसीव जल्दी कर लेगा। मैंने एग्जांपल दिया था कि एनपीआरसी 25 सेट की रेंज 25-30 किलोमीटर है, वो आम तौर पर कंपनी कमांडरों के पास होता है, प्लाटून कमांडरों के पास होता है, लेकिन उस पर जब बूस्टर लगाते हैं उसकी रेंज फिर दिल्ली तक डायरेक्ट भी हो जाती है, वो कमांडिंग ऑफिसर और मुख्य लोगों के पास होता है। इस तरह गुरु नामदान के टाइम पर आपको एक बूस्टर से कनेक्ट करता है, आपकी चेतना बढ़ेगी। यही तो मेरी बात है ना, मैं आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आप देख सकते हैं नामदान के बाद आप बुद्धिमान हो गए हैं। अब यहाँ साहब क्या बोल रहे हैं और बाकी सभी संतों ने पुष्टि की है, नाम बिना सबविध सो हीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, उस वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकाना। तो ये नाम की ताकत आने के बाद आप क्या करेंगे, आपका लिंक जुड़ जाएगा उस सत्ता के साथ, अब वो आपको बताती चलेगी क्या कृत्य है क्या कृत्य है। तभी नानक देव जी ने ये फरमाया, जैसे आए खसम की वाणी, जैसे आए खसम की वाणी तैसे बजाऊं सुनो वो लालो। आप देख सकते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका अंतःकरण नाम के बाद बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो गया है, आप निर्णय ले पा रहे हैं। ये निर्णय आप नहीं ले रहे हैं, पहले आपके अंदर निर्णय की जो ताकत थी वो मन द्वारा संचालित थी, इसलिए तो पाप कर्म करने वाला भी तो निर्णय ले रहा है, चोरी करने वाला भी तो निर्णय ले रहा है, बलात्कार करने वाला भी तो निर्णय ले रहा है, तब वो मन के निर्णय है। अब आपके अंदर जब भी आप कोई अनुचित कार्य करने जाएंगे फौरन आपको मैसेज मिलेगा, डोंट डू दिस, ये नहीं करो, ये उचित नहीं है। यही वजह है कि उस ताकत के कनेक्ट होने के बाद आपका एक लिंक ईश्वर से जोड़ दिया है। अब आप कृताकृत शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। मैं अभी रांझणी जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ बैठा हूँ, यहाँ नेट बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, इसलिए आपको ध्यान होगा पहले पहले मेरे प्रोग्रामों में आपको काफ़ी बाधा मिल रही थी, फिर मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया तो थोड़ा सा ठीक हुआ, उसके बाद फिर हमने और भी इसमें इम्प्रूवमेंट किया और कॉस्टली सब चीज़ें लगाई, तो मेरे ख्याल से अभी आपके पास मेरी विवरती मेरी साउंड आपको साफ अनुभव हो रही होगी। तो ये चीज़ें थी, इस तरह तभी तो कहा ये सब प्रभु तुम्हें की ना, वरना मैं हूँ तो परम मलीना, वरना मैं हूँ तो परम मलीना। तो इस तरह बाहरी संसार की जितनी भी चीज़ें निरंजन ने उलझाने के लिए बनाई है, अरे भाई रामायण में गोस्वामी जब कह रहे हैं तो बचा क्या, जप तप व्रत यम नियम अपारा, शुद्ध प्राण शुभ धर्म पुकारा, ये सब निरंजनी नियम है और पूरी दुनिया इसमें उलझी हुई है। आप विचार कर सकते हैं वो ताकत आपको गाइड करती जा रही है, क्या बात है। आज देखिए आप गूगल में जा कर के उससे कनेक्ट हो जाते हैं, गंतव्य अपने ओरिजिन अपने डिस्टिनेशन पर आपको जहाँ जाना है आप सिर्फ फीड करते हैं, वो आपको गाइड करते करते चलती है। बस मेरा करता मेरा साया, संतों ने जो बात बोली है वो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहिब किया, भयो कबीर कबीर, वो ताकत आपको गाइड करती चल रही है। अगर आपने तपस्या भी नहीं की इतनी, अगर आप देखेंगे तो आप अपने आप को दुनिया के लोगों से बहुत अलग पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े शिक्षित पढ़े लिखे लोगों की आप क्रियाएं देख रहे हैं, बेवकूफों जैसी लगेगी आपको, आपको एहसास होगा चाहे आप बोलो ना बोलो, आप कहेंगे ये जीरो है। नाम बिना सभ्य सुहिना, नाम बिना सो नीच बखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। कबीर साहब के पास क्या शैली थी, वाह यार लाजवाब, कभी वो हिचके नहीं बोलने में और इतनी स्पष्ट सहज वाणी थी उनके पास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही,
कबीर को कहीं शब्दों को ढूंढना नहीं पड़ता था अपने विचार व्यक्त करने के लिए, शब्द तो उनके आगे मंडराते थे, मुझे बोलो मुझे बोलो मुझे बोलो। इस तरह आप जिन नियमों पर आज चल रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी नहीं चल सकते हैं, सहजे सहज ये गुरु ने कृपा की। इसलिए पूरी आइडियोलॉजी आप संघ गुरु पर ही डिपेंड कर दी है पूरी। सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। आप देख रहे हैं गुरु सम्राज्य है सर खड़े, अब गुरु कैसे सर खड़ा है आप देखें। कमी कहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति ने छोड़े साथ। यही बात साहब निरंजन से कह रहे हैं, मैं उनके पास ऐसी ताकत दूंगा कि तुम्हारा उन पर बल नहीं चलेगा। आज के अति दुर्गम युग में जिसमें मनुष्य पाप को नॉर्मल मान रहा है, ठगी बेईमानी को आर्ट मान रहा है, परस्त्री गमन को इंजय मान रहा है, चोरी अपराध और हिंसा को वो एक अपना शुभ कर्म मान रहा है, ऐसे में इन नियमों का पालन करके जीवन व्यतीत करना बहुत बड़े तपस्वी से भी नहीं हो सकता है। इसलिए सहजे सहजे पाइए वस्तु अमोलक देह में सद्गुरु दीन सूरत सहदानी। साहब निरंजन से यही कह रहे हैं, कह रहे हैं जिनके पास मैं चीज वो दूंगा, मुझे वो चीज है वो काले मार सिंगारो दीन सकल में साथ, वो पूरी ताकत उसके अंदर मैं प्रेषित कर दूंगा, तेरा झोल नहीं चलेगा। जहां नाम तह काल गत नाही, बिना नाम सब काल की छाए। जहां नाम तह काल गत नाही, वाह जहां नाम है वहां काल की गत नहीं, बिना नाम सब काल की छाए। तो आपके साथ में वो चीजें जुड़ी, उससे जोड़े रहना। अब यहां साहब क्या करें, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, यानी कंसंट्रेशन वही। स्विच ऑफ है ना आपका अगर मोबाइल, या डिस्कनेक्ट हो गया ना, या बैटरी डाउन हो गई ना, काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहना, पल पल सूरत संभाल ध्यान दर्ग में गहो। इसलिए पूरी सुरती हमेशा चेतन रखना, आपको पूरी पूरी सब चीजें मिलती रही। आप सुरक्षित है यहां तक कि आपके भौतिक जीवन में भी निरंजन समस्याएं देगा, साहब उनको भी हटाता जाता है। चार पदार्थ एक मगमाही कहे कबीर कोई भूझत नहीं। ये चार पदार्थ क्या है, काम धर्म अर्थ मोक्ष। मेरा सर्वे बड़ा लाइव होता है, मैं जो अनुभव और अनुभूति में अंतर है, अनुभव तो हम किसी प्रमाण से भी कर लेते हैं, अनुभूति तो प्रत्यक्ष है। इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपनी अनुभूतियां। मैं सत्संग में लोगों से, मेरे प्रवचन में 20-20, 40-40 हजार लोग बैठते हैं, और मैं लाइव उनसे पूछता हूं, बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम के बाद नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीर। वो शक्ति आप एक उसमें आपने युद्धों में देखा हुआ, खास तौर पर आपने राम रावण युद्ध में और महाभारत युद्ध में सीरियल में देखा होगा कि जब अद्भुत शक्तियां, असाध्य शक्तियां राम पर प्रहार कर रहे थे रावण, तो उन्होंने एक दायरा खींचा, उस दायरे के अंदर शस्त्र नहीं आ सकता था। इस तरह नामदान के बाद आपके अंदर एक दायरा खींचा गया है, आप घबराओ नहीं, बस रोप रहो तुम डाल, काल खड़क व्यापे नहीं। आप सोचिए तो सही, क्षणिक सांसारिक सुखों के लिए आगे की यात्रा का क्यों नहीं विचार कर रहे हैं, ये विचार नहीं करने देता है। सबको पता है इस जीवन के अंत होने के बाद भी आगे जीवन में विचार नहीं करने देता है। आप में विवेक आ गया, ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया, त्याग आ गया, आदि चीजें नाम के बाद आपके अंदर प्रविष्ट हुई है। ये साधारण चीजें नहीं है, वो हमेशा आपको गाइड करती चल रही है। अब निरंजन आगे क्या बोल रहे हैं पता है, तभी निरंजन बोले बानी कैसे हंस लेहु ज्ञानी, जग के माया की नम भाषा, पशु पक्षी जल थल में आशा, 360 पैठ हम लाई, तामे सकल जीव अर्जाई। वाह वाह
जे दिन ते हमने पैड लगाई दिन दिन ऊर्जा सूरत नाई ता पर काम क्रोध हम डारी तृष्णा सकल जीव पर मारी। आपको मैं सतत कर रहा हूं, जैसे इंसान अपना पैसा ऐसे फेंकता नहीं है, निरंजन एक भी जीव को नहीं जाने देता है। इसलिए कच्चा जीव विचलित हो जाए। कुछ कुछ लोग क्या होते हैं थोड़ी समझ, निरंजन आपके अंदर तो हमला करेगा, जब आपके अंदर हमला नहीं करेगा तब दूसरे में बैठकर करेगा, आपको परेशान करेंगे, वो आपको कहेंगे तुम्हारे यहाँ ये नहीं हुआ और तुमने ये छोड़ा, आपने देवी देवता छोड़ा, भक्ति छोड़ी, धर्म छोड़ा। हाँ, धर्म तो वो है जो धर्मिष्ठ, वो है जो धर्म पर चले, जो अधर्म और पाप कर रहा है वो कैसे, वो तो भक्त नहीं हो सकता है। इस तरह से आपको बाहर से भी घेरेगा, पर चिंता मत करना, आप चिंता नहीं करना, वो ताकत आपके साथ है, पल पल वो ताकत आपको संरक्षण देगी। गुरु से सुरत राख रहे जोड़ी, वाह ये कनेक्शन है, ये वाईफाई सेट है, जस नटवा राखत है डोरी। जैसे नट डोरी पर बड़ी कलाएं दिखाता है, क्या गजब की कलाएं दिखाता है। मैंने जिम्नास्टिक का ओलंपिक का फाइनल देखा था नेट पर, क्या बात थी। यहां तो बार पर बैक रोल लगा करके खड़े हो जाते, रस्सी पर बैक रोल खड़ा लगा कर खड़े हुए, क्या बात है, ये कंसंट्रेशन है। तो वो क्या करता है, अपने सब खेल दिखाता है लोगों को, नृत्य भी दिखाता है, एक्टिंग भी दिखाता है। आप देखते हैं जिम्नास्टिक में भी यही होता है, स्पेशली लड़कियां नृत्य भी दिखाती है, सब दिखाती है और लोगों का मनोरंजन भी करती है, रहती अपने में है, सब में रमिए, सब में रहिए, कहिए हाँ जी हाँ जी। इस तरह खावता पीवता जागता सोवता कहे कबीर सो रहे माई, दुनिया के सब कार्य इस भौतिक शरीर में करने पड़ेंगे। आप अगर पूरे कंसंट्रेट भी हो तो आपको इनकी जरूरत कम भी पड़ेगी, लेकिन जो आप पर आश्रित है उनको फिर भी जरूरत होगी। इस तरह ये मोह के बंधन है, बहुबंधन ते बांधिया। एक बेचारा जीव, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, अरे जीव बेचारा क्या करे, जो न सुड़ावे पीऊ। इसलिए ये सुरत डोर हमेशा जोड़े रखना, गुरु से सुरत राख रहे जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी, और सुरत का पूरा खेल है। आपको पूरे मैसेज भी उसी से आ रहे हैं, इसलिए निरंजन भी सूरत से पूरा पूरा काम करा रहा है, सूरत पे वो छाया है। पर जहां नाम तो है काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी एक ठाम, सूर्य और रात एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए नाम के बाद ये बलहीन हो जाएंगे, निशाचर हमेशा अंधकार में घूमते हैं, अंधकार उनका पोषित है। इसलिए जीव हृदय तब मोह विषय की, जीव के हृदय में अंधकार है, इसलिए इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि मत्सर घूम रहे हैं। सच में काग पलट हंसा कर देना, नाम के बाद तो देखो वृत्तियां कितनी बदल गई। आप बस गुरुमुख बनना, संतों ने गुरुमुख होने के लिए बड़ी हिदायत दी है। गुरुमुख का गुरुमुख ला ले गए मनमुख चले मूल गवाए, गुरुमुख का यहाँ अभिप्राय क्या है, जो नियम गुरु ने बताए करते चलना, अब पहुंच जाओगे। वाह, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा मात नवे सब होए। तो बंधु इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना, ये सूरत को निरंजन बृहस्पति में ले जाता है, इसलिए सूरत संभाले रखना, सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन सा लहर बह कतो ना जाए। और सुरती को कंसंट्रेट करने का आयाम एक ही मात्र सुमरण है, सुमरण नहीं भूलना। नानक जो निश्चिंत भजे रूप राम तह जान, हरि जन हरि अंतर नहीं नानक साची मान, श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन मिलिए आए, सुमरण से सुख होते हैं सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साई माया समाए। सुमरण के अंग पर बहुत बड़ी आइडियोलॉजी, बहुत बड़े विचार साहब ने रख दिए। आपको तब ये ठीक से जब समझ में आएगा, अब उसकी तरंगों को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं काल डाइवर्ट हो जाते हैं। इस तरह यही बात कह रहे हैं, आगे मन क्या कह रहा है साहब से, काम क्रोध लोभ में इसमें ता पर काम क्रोध हम डारी तृष्णा सकल जीव को हमारी।
ये जीवात्मा तृष्णा काम क्रोध लोभ के वशीभूत है, शुभ और अशुभ दो ही दल साझा, ऐसे अलख निरंजन राजा। अब साहब क्या बोले, सत्य शब्द हम बोले बानी, नाम हमारे छूटे प्राणी। बोला इस नाम की ताकत से प्राणी छूटेगा है निरंजन, गए शब्द जब मम शितलाई, गए शब्द मम मेरा शितलाई, ध्यान से भाजे काल जीव ले छुड़ाई। वाह कह रहे हैं, जब मेरे शब्द पर ये स्थिर हो जाएगा, तेरा उस पर बल नहीं चलेगा, निर्मल हो जाएगा। तबे कालस बोले बानी सकल जीव बस अपने ज्ञानी, 360 पैठ उठ चेहरा कैसे हंसन ले हो मेरा। आप देखो बड़े हजूम से दुनिया बही जा रही है, दौड़ी जा रही है वहां, और जब आप उनको सुनेंगे तो वो यही कहेंगे मोक्ष सच्चा यहीं पर है। मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुझे निंदक कहेंगे लोग, खैर मुझसे आकर बात नहीं करते हैं और मेरे लोगों को तंग करते हैं, तुम्हारा गुरु इनको नहीं मानता है, इसकी निंदा कर रहे हैं, फलाने की निंदा कर रहा है। वाह एको ब्रह्म में द्वितीय नास्ति, जब वेद भी बोल रहे हैं तो मेरे भाई विचार तो करो ना, कैसा निंदा है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। ये निंदा नहीं है, इसलिए संतों को ज्यादा यंत्रणा इसलिए दी कि इस धारा से हटाकर अंतर्मुखी किया उन्होंने, पलट वजूद में। वाह पलट वजूद में, अजब विश्राम में, अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ पाए। तो बंधुओं मेरा जीव चिताने का एक ही लक्ष्य है, मैं भोजन चाजन को भी नहीं देखता हूँ, मेरे कैलेंडर आपके पास हैं, एक भी प्रोग्राम कभी मिस नहीं करता था। एजक्शन इतनी बढ़ गई कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा 10 किलो वेट कम हो गया था 10 किलो। मैं कोई बहुत मोटा छरहरा शरीर मेरा हमेशा, 50 साल से योगा करता हूँ, 40 मिनट रोज योगा करता था, अभी 40 मिनट नहीं करता हूँ, 15 मिनट करता हूँ। तो ये बहुत यात्राओं से ऐसा हुआ। मैं उदाहरण देता हूँ, आज भी मेरे 5 प्रोग्राम हैं, आप सोचना थोड़ा। जल्दी काम शैतान का है, पर मुझे जल्दी करनी पड़ती है, जल्दी काम बुद्धिमान का भी है, ठीक ना। आप कहेंगे आप तो समीकरण बदल रहे हैं सभी, हाँ जल्दी काम बुद्धिमान का है। जो आदमी अकलमंद है निर्णय जल्दी लेता है, फैसला जल्दी लेता है, तो क्या ये शैतानी हुई क्या? आप तो शांति रखो ना, हम कब कह रहे हैं नहीं रखो, लेकिन एक पैर ट्रेन के डब्बे में रहे, एक नीचे है, ट्रेन चल रही है शांति से, शांति देवी निकाल देगी खिचड़ी भैया, समय अनुकूल चलना है। तो इस तरह आज मेरे 5 प्रोग्राम है, आप विचार करना, अभी मैं यहाँ से उठ के जल्दी चला जाऊंगा, इसलिए आज मैं सत्संग भी 5-7 मिनट शॉर्ट करूंगा। पहले रखबंधु में प्रोग्राम है, आज छुट्टी भी है, वहाँ काफ़ी लोग आते हैं, वहाँ से फिर मैं दूसरा जाऊँगा मिस्त्री वाला, वहाँ प्रोग्राम है, तीसरा फिर अखनूर जाऊँगा, वहाँ बम्पर भीड़ आती है, चौथा फिर मैं गलबड़े जाऊँगा, वो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है, चिकन नेक के साथ, पांचवां फिर सारी आकर वो जम्मू शहर के कॉर्नर पर है। ये 5 प्रोग्राम देखकर गिरते पड़ते इधर आऊँगा, जब इधर आऊँगा तो मेरा इंतज़ार लोग पहले कर रहे होंगे, अब वो मुझे अपनी पहले समस्याएँ गिनाएंगे। अभी भी मैं झल्ला करके बड़ी मुश्किल से पिंडा छुड़ा के आया उन लोगों से, अरे भाई हाथ जोड़कर मेरा लाइव प्रोग्राम है, रहने दो, बाद में मैं जब निकलूँगा अपनी समस्याएँ करना, जब मैं यहाँ वहाँ नहीं जा पाऊँगा तो रास्ते में ही खड़े हो जाते हैं ऊपर सीढ़ी के पास, बंदगी करना ही करना है, उन्होंने समस्या बोलनी भूल गए। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, ऐसा कल रोक किया खुद नाम, सुख में सुरण करता नहीं दुख में करता याद, कहे कभी उस दास की सुने कौन फरियाद, कभी थोड़ा थोड़ा भजन कर लो, जब तक सुमरण में सब कुछ आ जाएगा, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण समकचना है, क्षमा चाहता हूँ कल
मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहिब।